प्रयास से हम लोग चंद्रमा के निकट पर पहुंच गए और जो आखिरी में जहां वहां पहुंचना था उसमें एक त्रुटि आ गई, हमें इस बात का दुख है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनकी प्रशंसा करते हैं और हमें उम्मीद है कि हम अगली बार उनसे सफल होंगे। सोनिया गांधी जी ने आज कमलनाथ जी से रिपोर्ट मांगी है, एमपी में जो राजनीति को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर। अच्छा भाई साहब, भोपाल में आपके समर्थन ने पोस्टर लगाए हैं, समर्थक ने पार्टी में पोस्टर पॉलिटिक्स चालू हुई है। मैं किसी भी समर्थक के पोस्टर के खिलाफ हूँ और मैं मेरे दौरे जब बनते हैं तो मैं उसमें लिखता हूँ, कोई माला मत पहनाइए, मेरे नारे मत लगाइए, मेरे पोस्टर मत लगाइए, मेरे बैनर मत लगाइए, कोई आतिशबाजी मत करिए, ये मेरे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एनआरसी के खिलाफ जो है क्रियान्वयन प्रस्ताव पारित किया है, क्योंकि वो वहाँ लागू नहीं होने देंगे, क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसी कोई योजना है? ये है, अमित शाह जी कहते थे 40 लाख घुसपैठिए हैं, कहाँ है बताओ, पूछिए अमित शाह जी से। और अमित शाह जी के नंबर 2 लेफ्टिनेंट हमारे कैलाश से पूछिए, विजयवती जी से पूछिए, जो 40 लाख घुसपट्टी हैं का, ये सब हवाबाजी है। केवल धर्म के आधार पर पूरे देश या राजनीति के प्रति लोगों को भ्रम फैलाना इनकी आदत है। मध्य प्रदेश में सर होना चाहिए ऐसा एनआरसी, सब चीज़ें सरकार पे करेगी, बिल्कुल आगे सरकार एक हाथ से। मेरी दोस्ती कैलाश जी के साथ रही और आज भी है। सर, उनका ये भी कहना है कि आपकी दोस्ती जाकिर नायक के साथ रही है और जाकिर नायक के प्रत्यार्पण की बात से आप घबरा गए। मेरी कैलाश विजयवर्गीय से ज़्यादा बेहतर दोस्ती है। सर, बीएसपी की सर बीएसपी के विधायक राम भाई, उनके प्रति गोबंद सिंह पे सर पहले एफआईआर दर्ज होती है, फिर इनाम घोषित होता है, फिर सर क्लीन चिट दे दी गई, सरकार पे दबाव बना रही थी क्या उसकी वजह से? जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि लक्ष्मीकांत शर्मा जो कि व्यापम में मंत्री होकर पकड़े गए थे, मामा जी की सरकार में पकड़े गए थे और सीबीआई ने उनको छोड़ दिया। मैं लड़ाई लड़ूंगा इसके खिलाफ, जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट वापस, केस उन पर चलना चाहिए, अपराधी तो है। मध्य प्रदेश में जो झगड़े चल रहे हैं मंत्रियों के, उसको लेकर आज एक सीएसपी का सर ऑडियो वायरल हुआ, और झगड़े हो गए लगातार कांग्रेस में आपस में अंदरूनी कलह विवाद, आपका गुट सिंधिया जी का गुट कमलनाथ जी का, सब आप सब मीडिया में आप लोग चलाते रहे, मतलब आप लोग करते हैं मीडिया चलाते हैं, हमारे यहाँ कुछ गुटबाजी सर, आप बोलेंगे ये सब चीजें हैं ना, पहले थी ना आज है। पीएससी घोटाले और व्यापम पे जांच क्यों अटकी हुई, और क्या ये सही है कि पीएससी में सदस्य की नियुक्ति आपके कहने पे हुई जिनकी पत्नी को पहले अपॉइंटमेंट दिया गया है? बात सुन ली जी, मैं सरकार का अंग नहीं हूँ, मैं राज्यसभा का मेंबर हूँ, इसलिए मेरे दस्तखत से कोई सरकारी काम नहीं होता। सिफारिश ये जो आर्थिक स्थिति देश की हो रही है डिमोनेटाइजेशन के बाद से लगातार आप इसमें खाते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, अब गडकरी खुद भी सीतारमण से कह रहे हैं, क्या लगता है किस तरह ट्रेवल कर रही है हमारी इकोनॉमी, किस तरह जा रही है और आने वाले वक्त में क्या कोई ब्लूप्रिंट आपको लगता है किस तरह से? और दूसरा, जो अंतरिक्ष का यान है ये फेल हुआ है या सेल हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बेंगलोर में किया गया, क्या ठीक है ये दोनों चीज़ें? मैं इस बारे में कह चुका हूँ, मुझे इस बारे में वापस कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं और दुर्भाग्य से जो हो गया उसके लिए किसी की गलती इसमें नहीं है, ये कुछ हो सकता है जो भी मैं तो इसमें हूँ नहीं, लेकिन उनके सतत प्रयास से वहाँ तक तो पहुँच गए थे, इसलिए अगली बार हम निश्चित पहुँच जाएंगे। सर, आपने जो मुख्य यहाँ तक इकोनॉमी की बात है, ये साफ है कि मोदी जी के गलत निर्णयों के कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है और लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है,
नए इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहे हैं और इस हालात में वे रोज कुछ ना कुछ नया शगुफा, अब वो फिट इंडिया, उनको अर्थव्यवस्था पर चिंता नहीं है, उनको हमारे मैं इस बात की खुशी को हमारे स्वास्थ्य की वो रख रहे हैं। लेकिन हम तो पहले से स्वस्थ हैं, हम तो पहले से योगा कर रहे हैं, 45-50 साल से मैं योगा कर रहा हूँ, तो मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बात ये है इकोनॉमी की तरफ ध्यान देना चाहिए, लोग अब बेरोजगार होते जा रहे हैं, अव्यवस्था बढ़ती जा रही है, व्हाट्सएप के माध्यम से दुनिया भर की गलत खबरों के आधार पर बेकसूर लोग पिट रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ये सारी जो बातें हैं ये मैं इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दोषी मानता हूँ।